जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो आज मैं आपको ये बता दूं, आज का अपना ये वीडियो सेशन केवल राजस्थान के विद्यार्थियों और साथियों के लिए है जो कि कक्षा 12 ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। अन्य स्टेट्स के विद्यार्थी चाहे इस वीडियो को न देखें। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल होता है उसका पैटर्न क्या है, और सबसे बड़ी बात भी प्रैक्टिकल की जो फाइल है वो किस प्रकार से तैयार करनी है। तो सबसे पहले तो हम 2012 बोर्ड परीक्षा के अंदर जो प्रैक्टिकल का जो आपका पेपर होगा उसकी बात कर लेते हैं, उसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, आपके प्रैक्टिकल वाली बुक के अंदर टोटल 6 चैप्टर हैं, और उसमें से जो लास्ट का जो छठा चैप्टर है वो 2022 की प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत हटा दिया गया है। 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें आपका एक चैप्टर कम कर दिया है, छठा चैप्टर। इसका मतलब पीछे बच गए 5 चैप्टर। अब 5 में से कितने हमें पेपर के लिए तैयार करने हैं, कितने हमें प्रैक्टिकल फाइल के लिए उनके जो फाइल बनानी है, और प्लस एक चैप्टर के आधार पर जो आपकी फील्ड सर्वे की जो फाइल बनानी है उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो 6 में से एक चैप्टर हट गया है, बाकी 4, 1 से लेकर 4 जो चैप्टर है, आंकड़े स्रोत और संकलन, दूसरा है आंकड़ों का प्रक्रमण, तीसरा है आंकड़ों का आलेखी निरूपण, चौथा है आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल है, उपयोग है, ये चारों चैप्टर आपके सिलेबस के अंतर्गत है। इन चारों चैप्टरों का जब आपका प्रैक्टिकल का फाइनल पेपर होगा जनवरी फरवरी जो भी बोर्ड डिसाइड करे उसके अंतर्गत इन 4 चैप्टर से आपका एक पेपर लिया जाएगा, और ये पेपर आपका 15 नंबर का होगा। समझ रहे हो ना आप, एक लिखित पेपर होगा इन 4 प्रैक्टिकल वाले चैप्टर का 15 नंबर का, और इन 4 चैप्टर में से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 5ों प्रश्न करने अनिवार्य होंगे, और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा, यानी 5 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, टोटल 15 अंक का आपका फाइनल बोर्ड प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा उसमें ये एक लिखित प्रश्न पत्र है वो लिया जाएगा। और एक चीज आप अच्छे से पता है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के अंदर टोटल 30 नंबर का प्रैक्टिकल अपने राजस्थान में होता है। तो ये तो हुआ लिखित पेपर जो वहां पर होगा फाइनल के अंदर, एग्जामिनर चाहे वो आपके स्कूल के हो या किसी दूसरे स्कूल के एग्जामिनर आपके स्कूल में आएंगे वो आपका ये पेपर लेंगे। जैसे बोर्ड परीक्षा के पेपर होते हैं उसी प्रकार बोर्ड की ही कॉपी के ऊपर ये प्रैक्टिकल का पेपर आपका लिया जाएगा। 4 के बाद बात करें आपका 5वें चैप्टर की, तो 5वां चैप्टर आपको कोई प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नहीं करना है, बल्कि इस 5वें चैप्टर के हिसाब से आपको एक फाइल बनानी है जिसे कहा जाता है क्षेत्रीय सर्वेक्षण अभिलेख यानी रिकॉर्ड, और उस पर आधारित मौखिक परीक्षा आपसे पूछी जाएगी। तो इसका मतलब 5वां चैप्टर करना नहीं है, लेकिन 5वें चैप्टर को पढ़कर उसके अनुसार आपको एक फील्ड सर्वे की फाइल यानी रिकॉर्ड बनाना है। वो जो फाइल होगी क्षेत्रीय सर्वेक्षण की वो आपके 4 नंबर की होगी। इतना काम आप फाइनल जो प्रैक्टिकल होगा उससे पहले आपको ये करना है, और जब प्रैक्टिकल होगा जिस दिन आपकी ये लिखित परीक्षा होगी 15 अंक की, उसी दिन जो एग्जामिनर साहब आपके स्कूल में आएंगे वो ये फाइल आपसे मांगेंगे, इस फाइल को देखेंगे, इस पर साइन करेंगे भी, हाँ पेज पलटकर देखेंगे भी किस प्रकार से आपने काम किया है, और रियल में आपने ईमानदारी से काम किया है या नहीं इस बात के आधारित आपसे कुछ प्रश्न वो पूछेंगे जिन्हें कहा जाता है मौखिक परीक्षा के प्रश्न यानी वाइवा आपसे लिया जाएगा, वो 1 नंबर का होगा। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे हो, फील्ड सर्वे की फाइल और उस पर आधारित जो मौखिक परीक्षा है ये टोटल आपके 5 अंकों की होगी। तो 15 और 5 20 नंबर का काम हो गया। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट और महंगा जो और काम है वो है
प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और उस पर आधारित मौखिक। जिस प्रकार से आपको फील्ड सर्वे की फाइल बनानी है जो कि पांचवें चैप्टर पर आधारित होगी, पांचवां चैप्टर ध्यान रखिए यहां इस लिखित परीक्षा वालों के अंदर शामिल नहीं है। अब आपको इन चार चैप्टर के आधार पर, जो चार चैप्टर के आपके 15 नंबर का जो पेपर होगा, इन चार चैप्टर की आपको एक रिकॉर्ड बुक तैयार करनी है, यानी प्रायोगिक अभिलेख, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तैयार करना है एक से चार चैप्टर के आधार पर, और यह होगी फाइल आपकी 8 नंबर की। तो 8 नंबर का यह काम, 4 नंबर का यह काम आप फाइनल प्रैक्टिकल से पहले कर लेंगे। उस दिन जब आपकी फील्ड सर्वे की फाइल के साथ साथ ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, यानी ये जो फाइल है, ये भी वहां जमा कर लेंगे एग्जामिनर साहब, और इस पर आधारित 2 नंबर के आपके मौखिक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, छोटे छोटे प्रश्न, किस प्रकार से आपने काम किया है, जो इन चैप्टर में जो चीजें पढ़ी है उन पर आधारित एक बेसिक जानकारी आपसे ली जाएगी। वहां उद्देश्य ये नहीं है अभी आपको डराया जाएगा, ऐसा नहीं है, बस इतना कंफर्म करना भी, हाँ बच्चे ने अच्छे से काम किया है या बच्चे को प्रैक्टिकल की समझ है या नहीं, इस पर आधारित 2, 8 और 2 यानी टोटल 10 नंबर का ये काम हो गया। तो आप देख रहे हो 15, 5 और 10 टोटल 30 नंबर का ये काम आपको प्रैक्टिकल के लिए तैयार करना है। 70 नंबर की आपकी अलग से लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 56 नंबर का बोर्ड में एग्जाम होगा और 14 नंबर सत्रांक के रूप में स्कूल से आपके भेजे जाएंगे। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम बात करें पहले क्षेत्रीय सर्वेक्षण की फाइल की, अगर बात करूं तो इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर उसके बारे में बताऊंगा भी किस प्रकार से तैयार है वो करनी है। आज का अपना मेन जो मोटिव है वो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो किस प्रकार से तैयार करना है, ये जो 8 नंबर का जो काम है वो किस प्रकार से करना है। सबसे पहले तो ये जानिए ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपको कितने चैप्टर का तैयार करना है। पहले 4 चैप्टर का ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो तैयार करना है। इस पर आधारित बहुत से बच्चों ने, साथियों ने कुछ प्रश्न पूछे, पहले मैं उनकी बात कर लूं फिर मैं आपको उस फाइल के बारे में जानकारी है वो दे रहा हूं। एक प्रश्न तो था, क्या सर प्लेन टेबल सर्वे 2022 की बोर्ड परीक्षा में हटाया गया है या नहीं हटाया गया है, जो कि पिछले साल तक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में शामिल रहा है प्रैक्टिकल सिलेबस के अंतर्गत। तो क्लियर कीजिए इस बात को, प्लेन टेबल सर्वे, सर्वेक्षण वाला जो काम है, प्लेन टेबल वाला, जिसको कई बार अक्सर दूसरे सब्जेक्ट वाले कहते हैं आपके फट्टे वाला जो काम है, उसको हटा दिया गया है, वो अब सिलेबस में नहीं है। अब ये मत सोचना फिर इसके बिना ज्योग्राफी क्या, ये वो, ये कोई मुद्दा नहीं है। प्लेन टेबल सर्वे को स्कूल एजुकेशन में 2022 के अंदर हटा दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका लेता हूं, क्या राजस्थान बोर्ड अपनी अलग से फाइल मुद्रित करेगा, यानी जैसे प्रैक्टिकल की जो पुरानी फाइल जो आती थी, रिकॉर्ड जो आता था, बुक जो आती थी, उसमें पहले पूरा चैप्टर समझाया हुआ होता था, उसके बाद में पीछे प्रश्न और उत्तर लिखने के लिए खाली जगह छोड़ी जाती थी, वो एक बुकलेट आती थी और उसी बुकलेट के अंदर उन प्रश्नों के आंसर देके और फाइनल दिन है जो हम इस प्रायोगिक अभिलेख कह रहे हैं उसकी तरह जमा करवा दी जाती थी। अब ऐसा नहीं है, ये क्लियर करें। अब क्योंकि राजस्थान बोर्ड की प्रैक्टिकल की बुक नहीं है, बल्कि एनसीईआरटी की बुक जो प्रैक्टिकल वाली है वही राजस्थान में लागू हो गई है और उसे कार्य पुस्तिका के रूप में नहीं दिया गया है एनसीईआरटी को, उसमें चैप्टर दिया गया और पीछे प्रश्न दिए गए हैं सिर्फ। तो यानी आपके लिए अलग से कोई वर्क बुक है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उपलब्ध नहीं करवाएगा। एक प्रश्न और है, क्या प्रैक्टिकल जो फाइल है, रिकॉर्ड बनाना है, वो एनसीईआरटी बुक के अनुसार ही बनाना है? बिल्कुल, जब सिलेबस एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार ही उसको तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि वो बात होगी कि एनसीईआरटी प्रैक्टिकल बुक में प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वर्क बुक की तरह नहीं है, ये एक अपनी टेक्स्ट बुक की तरह ही है। अब बात आ जाती है, तो फाइल हम बनाएं फिर कैसे, जब प्रश्नों के लिए उत्तर लिखने के लिए इस प्रैक्टिकल की जो सिलेबस वाली जो बुक है उसके अंदर स्पेस नहीं है, तो हमें फाइल कैसे बनानी है? अब अपना मूल काम स्टार्ट हो जाता है, फाइल, ये 8 नंबर का काम हम आज सीख लेते हैं कैसे तैयार करना है। 8 नंबर के इस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए
आपको बाजार से एक प्रैक्टिकल वर्कबुक है वो परचेज करनी होगी। 50-60-70 रुपए की जो खर्चा है वो आपको करना होगा, बच्चों को करना होगा। अब एक चीज यहां पर ये आ जाती है भी बाजार के अंदर बहुत से पब्लिशर की कुछ प्रैक्टिकल की वर्कबुक है वो आपको उपलब्ध रहेगी। जैसे मेरे इलाके में मैंने आपको समझाने के लिए किताबों वाली दुकान के ऊपर गया, स्टेशनरी की दुकान पर गया और वहां से आपके लिए कुछ पब्लिशर्स की जो बुक लेकर आया था ताकि मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे सकूं। जैसे आप देखिए, एक बुक तो मुझे ये मिली है राघव प्रकाश की, भूगोल प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका कक्षा 12 के नाम पर ये बुक यहाँ पर मिली है। अच्छे से इस वीडियो को जान लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे हल हो जाएं। अब इसमें आप देखेंगे, जैसे ये दूसरा चैप्टर है, इसमें प्रश्न लिखे हैं और उत्तरों के लिए खाली जगह छोड़ी गई है। जहाँ कहीं डायग्राम बनाने की ज़रूरत है वहाँ पर ये वाइट पेज है वो लगा दिए गए हैं ताकि बच्चा इनका यूज़ कर ले। ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आ गया, तो इस प्रकार से प्रश्न लिखे हैं और उत्तर के लिए जगह है वो छोड़ दी गई है। एक तो इस तरीके की मुझे मिली है बाजार में, एक मुझे मिली है सौरभ कोई पब्लिशर है उसकी मिली है भूगोल प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका। इसमें भी क्या है आप देखेंगे भी, ये आपकी सामान्य जानकारी है, उसके बाद में यहाँ चैप्टर की कुछ जो मेन बातें हैं वो लिखी गई है, फिर वही प्रश्न और उत्तर लिखने के लिए स्पेस दिए गए हैं, जहाँ जरूरी हो वाइट पेज भी इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं और क्षेत्रीय सर्वेक्षण का काम के लिए भी लास्ट में पेज लगा दिए गए हैं जो कतई उचित है वो नहीं है। तो एक तो इस प्रकार की किताबें आपको बाजार में उपलब्ध रहेगी। अब ये डिपेंड करेगा आपके टीचर के ऊपर भी वो इन बाजार वाले जो एक सामान्य सा काम है, मैं कहूँ भी प्रैक्टिकल कार्य के लिए शायद ये न्यायोचित नहीं होगा, ये मेरा अपना विचार है। बाकी आपके जो अपने सब्जेक्ट टीचर होंगे वे आपको सही तरीके से गाइड करेंगे भी ये यूज करें या फिर हम बाजार से लेकर आए इस प्रकार की फाइल, प्रैक्टिकल की फाइल। ये आपने अच्छे से जानते हो, इस प्रकार की एक फाइल आती है जहाँ टैग से या धागे से इसको बांध दिया जाता है। तो ये फाइल देखिए आप, इस प्रकार से बाजार में आपको एक फाइल मिलेगी ये फाइल, और साथ में आपको ये कुछ पेज है वो लेने होंगे। कम से कम आपको 20 पेज तो लेने ही पड़ेंगे, जिनकी आपको ज़रूरत है वो पड़ेगी। ये पेज हैं जो इस फाइल के अंदर लगेंगे। अब ये ज़रूर आप देख लीजिए भी ये पेज क्या सिर्फ लाइनदार है। देखिए ये पेज एक साइड में लाइनदार है जबकि दूसरी साइड में ये वाइट है। वाइट के ऊपर हम कोई भी डायग्राम की जहां जरूरत होगी, कोई चित्र रेखा चित्र आलेख बनाने होंगे वो हमें वाइट पर बनाने होंगे। बाकी प्रश्नों के आंसर या फिर नोट्स फॉर्म में जब आप अपनी इस फाइल को बनाएंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ लाइनदार साइड का ही इस्तेमाल है वो करना है। सबसे पहले आप अपना पूरा ब्यौरा लिख देंगे और जो चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर आपने कब किए, वो सारी जानकारी इंडेक्स के अंदर आ जाएगी। उसके बाद में आप पहले पेज के ऊपर चैप्टर 1 लिखकर उस चैप्टर का पूरा नाम अच्छे से अलग अलग कलरफुल आप स्केच वो यूज कर सकते हो इसके लिए। बाकी जो प्रश्न आंसर या नोट्स बनाने का जो काम है वो आपको ब्लैक पेन से या स्केच पेन से ही करना चाहिए। हेडिंग बनाइएगा, कहीं मेन आती है, अच्छे से ब्लैक स्केच से और ब्लैक पेन से आपको लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप एक साइड में लाइनदार और एक साइड में वाइट पेज है वो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे और उसके बाद में इन सभी पेज को आप इकट्ठा कर लेंगे और इस फाइल के अंदर आपको टैग कर देना है, धागे से इसको अच्छे से बांध देना है। इसके ऊपर भी आप वाइट पेज में प्रैक्टिकल का जो आपने ये ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की फाइल है वो आप वाइट पेज के ऊपर लिखकर इसके ऊपर अच्छे से चस्पा कर सकते हैं। जहां ज़रूरत हो इसकी आप डिज़ाइनिंग भी आप कर सकते हो ताकि ये फाइल बहुत सुंदर लगे। सबसे पहले अगर आप कोई मुझसे ये पूछे भी हमें बाज़ार में जो अलग अलग पब्लिशर की जो प्रैक्टिकल की वर्कबुक आती है वो लगानी चाहिए या इस प्रकार की फाइल बनानी चाहिए, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, इस प्रकार की फाइल है वो ही ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के लिए लगानी चाहिए। ये अपने सब्जेक्ट के साथ भी न्याय होगा और बच्चा
कुछ प्रैक्टिकल वर्क किस प्रकार से लिखे जाते हैं उसकी अच्छे से जानकारी है वो भी होगी। बाकी आपके स्कूल के आपके सब्जेक्ट टीचर जो हैं, जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो आपको डिसाइड करके ये बताएंगे भी वो ये फाइल लगाते हैं या बाज़ार के अंदर यही 50-60-70 रुपए की ये बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है। हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भी अलग अलग पब्लिशर की ये किताबें हैं, जो वर्कबुक है वो आपको मिल सकती है, अभ्यास पुस्तिकाएं मिल सकती है। तो इस प्रकार से आज मैं सिर्फ आपको इतना बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ था भी जो प्रैक्टिकल प्रायोगिक अभिलेख जो रिकॉर्ड है ये 4 ही चैप्टर के बनाने हैं। अब बात ये आती है भी इसके अंदर हम प्रश्न उत्तर लिखें, जो एनसीईआरटी की किताब में पीछे जो प्रश्न दिए हैं वो लिखें, या कुछ अन्य प्रश्न बनाकर लिखें, या नोट्स की तरह लिखें, ये डिसीजन भी आपके टीचर ही करेंगे। भी वो सिर्फ एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चन ही तैयार करना चाहते हैं, या जो आपके फाइनल पेपर में जो 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं उसी हिसाब से प्रश्न उत्तर आपको बनाकर बताएंगे, पहले चैप्टर समझाएंगे फिर आपको बताएंगे भी इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ताकि प्रैक्टिकल फाइल तो तैयार हो ही हो, साथ में आपका ये प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होना है उसकी तैयारी भी साथ में हो जाए। या फिर आप इसको नोट्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, चैप्टर के अंदर जो भी हेडिंग्स सब हेडिंग्स दी है उनके अंदर मेन मेन जो बातें हैं वो आप नोट्स फॉर्म के अंदर लिखते चले। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे वो तारीख लगाते हुए आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को जांचेंगे, और फाइनल प्रैक्टिकल वाले दिन आपका ये प्रायोगिक अभिलेख है जो पुस्तिका है ये आपकी जमा हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे भी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की जो फाइल है वो कैसे तैयार करनी है। अब बात आती है भी अभी मैंने मेरे स्कूल की बात करूँ तो मैंने प्रैक्टिकल का वर्क स्टार्ट नहीं किया है, बहुत जल्द उस पर स्टार्ट कर दूंगा। तो उसके बाद जैसे ही स्कूल के अंदर जो प्रैक्टिकल की फाइल मैं कंप्लीट कर लूँगा तो एक वीडियो में आपको बनाकर भी दिखा दूंगा भी हाँ किस प्रकार से मैंने मेरे स्कूल के अंदर फाइल है वो तैयार करवाई है, हो सकता है वो आपके लिए कहीं फ़ायदेमंद हो जाए। बाकी प्रैक्टिकल का सिलेबस भी मैं करवाऊँगा और साथ में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये जो 3-3 नंबर वाले प्रश्न इन 4 चैप्टर के, ये भी मैं आपको करवाऊंगा, साथ में इनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर आपको अवश्य उपलब्ध करवाऊंगा। ये मेरा सतत प्रयास है वो आपके लिए रहेगा। अब उसके बाद रह गया आपका क्षेत्रीय सर्वेक्षण की जो फाइल है वो किस प्रकार से तैयार करनी है, खुद के गांव की तैयार करनी है, किसी व्यक्ति विशेष की तैयार करनी है या दूसरे गांव की तैयार करनी है, इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको जरूर वो बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आज इस जानकारी से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की ये और बच्चों की ये जिज्ञासा थी भी इस बार प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनेंगी। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, ये स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाते हैं ये गत्ते, और इनके साथ ये लाइनदार, एक साइड लाइनदार और एक साइड जो सफ़ेद पेज है वो आप ले आएं, और बाकी आप अपने सब्जेक्ट टीचर से इसके ऊपर कंसल्ट करें और वो अच्छे से आपको इसके बारे में गाइड करें। फिर भी आपके किसी प्रकार की कोई क्यूरीज और है, हो सकता है आप ये कहें भी सर हम एक लाइनदार पेज जो बहुत साइड वाला फिर एक वाइट पेज लगाएं, वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए मैं यही कहूँगा अपने सब्जेक्ट टीचर से आप अवश्य इसके बारे में कंसल्ट करें। फिर भी आपकी कोई क्यूरीज है, कोई और जिज्ञासा है, कमेंट कीजिएगा, मैं अवश्य उनके जवाब है वो आपको प्रेषित करूँगा। अगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हुए भी जिन पर वीडियो बनाने की आवश्यकता है तो वीडियो बनाकर दे दूंगा, वरना मैं वहीं पर आपको जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो सेशन से आप अवश्य लाभान्वित होंगे, और अगर आपको लगता है भी ये जानकारी दूसरों को भी होनी चाहिए, आपको लगता है तो आप इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है वो नहीं रहे, क्योंकि बहुत से स्कूलों में प्रैक्टिकल की बुक नहीं पहुंची है तो एक उनके दिमाग में संशय है भी अलग से फाइल बनानी है या उस किताब के अंदर ही जगह होगी वहीं पर कुछ करना है, तो इसलिए आप जानकारी उपलब्ध दूसरों को भी करवा सकते हैं इस वीडियो की सहायता से। चलिएगा फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।